Synthesis of chloramphenicol or chloromycin. Synthesis of chloramphenicol can be started from benzaldehyde, simple molecule, readily available molecule, and we can have nitroethanol, beta nitroethanol. Alpha carbon, beta carbon suggesting a nitro group, beta nitroethanol and benzaldehyde when reacted with NaOH base, it will extract a proton and will attack this carbonyl aldehyde group and will get a NO2 CH2 OH. ये प्रोटॉन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पे कार्बेनियन जनरेट होगा एंड दैट विल बी अटैकिंग ओवर हियर. नाइट्रोजन इज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये कार्बेनियन जनरेट होगा दैट विल बी स्टेबिलाईज थ्रू रेजोनेंस, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू ये कार्बेनियन का, सो दिस विल बी जनरेटेड प्रेफरेंशियली. देन वी कैन रिड्यूस this nitro group into an amine. CH2OH can be written like this also. So after reduction, we will get an amine. This now can be what we want to have it in chloramphenicol is यहाँ पे हमारा nitro group चाहिए. तो नाइट्रेशन यहां करेंगे, उससे पहले हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनके, ये ग्रुप्स हमारे सारे प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और ये NH2 को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन रिएक्टेड विद HNO3 दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर. तो हमें यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, दैट इज एट दिस पैरा पोजिशन टू दिस विल गेट ए नाइट्रो ग्रुप. तो पहले हम यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करेंगे वायर एसिटिक एनहाइड्राइड in pyridine. So it will get a OAC, NH, AC, and here again OAC. So this protected compound can be treated with nitrating mixture HNO3 plus H2SO4. To give us nitro derivative, para nitro derivative, because यहाँ पर OAC group है, तो bulkier groups हैं ये, इसलिए ये दोनों ortho groups यहाँ पे blocked होंगे, so only position to come over here is nitro at para position. This is an electrophilic substitution reaction, so ये para पर ही जाएगा. Here we have it. NHAC, बस यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नॉट एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. कार्बन है तो इट विल बी गिविंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. OAC. नाउ वी कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप. इसका काम यहां पर खत्म हुआ, सो वी विल रिमूव इट. अगेन वी विल गेट OH, NH2 एंड OH. नाउ अंटिल नाउ दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन, लेकिन हमने यहाँ पे कायरलिटी नहीं बताई है, बट ये कायरल ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे हो सकते हैं, बट
इन दिस पर्टिकुलर सिंथेसिस ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं दिखती है हमें, तो इट इज अ रैसिमिक मिक्सचर. सो वी नीड टू रिजोल्व दिस एंड दैट रिजोल्यूशन कैन बी डन यूजिंग टार्टरिक एसिड. सो वी कैन रिजोल्व दिस थ्रू टार्टरिक यहाँ पे ये नहीं होगा बिकॉज ऑफ द CH2OH में वहां पर उसका कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है. नाउ व्हाट वी वांट इज ये जो NH2 है इसकी जगह पे हमें चाहिए यहाँ पे NHCOCHCl2, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं. नाउ Cl2CHCOCl डायक्लोरो एसिटिल क्लोराइड. Dichloroacetyl chloride can be added to give us chloramphenicol. किसी को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे, ये ऊपर जाएगा OH नीचे आएगा, तो क्या होगा? दिस विल बी ये बैक साइड जो है वो आगे आकर के फ्रंट साइड हो जाएगा. सो वेज बॉन्ड होगा और ये हमारा डॉटेड बॉन्ड हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी हैव शोन इट टिल नाउ. तो ये हमारा क्लोरामफेनिकॉल और क्लोरोमाइसिटिन. इट इज एन एंटीबायोटिक, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग बेंजाल्डिहाइड एंड बीटा नाइट्रो. तो ये था हमारा एंटीबायोटिक्स का चैप्टर. वी हैव फिनिश्ड एंटीबायोटिक्स चैप्टर.